जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली थी, कोई एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए है, लोकतंत्र के बचाने के लिए है। कांग्रेस पार्टी इसकी देन इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर। ये देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए महारानी है। उनको भी मालूम है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करें। कल 10 बजे यहां रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में मंच तैयार है, मैदान तैयार है, नेताओं की फहरिस्त तैयार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दावा यहां तक कि इसी मंच से 400 पार या आर पार होगा। इंडी गठबंधन रैली के जरिए तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा बुलंद कर रहा है, तो बीजेपी इसे भ्रष्टाचार छुपाओ रैली बता रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इंडी गठबंधन इससे मोदी के खिलाफ माहौल बना पाएगा? क्या रामलीला मैदान की रैली चुनाव का मूड बदल देगी? क्या भ्रष्टाचार के आरोपी केजरीवाल के दाग रैली से धुल जाएंगे? क्या ये मोदी से हारने की हताशा में रैली हो रही है या फिर कुछ और है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आपको हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रविवार को इस रैली में कौन कौन से बड़े नेता आ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सपा से अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सीपीआई से डी राजा, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, सीपीआईएम से सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती रामलीला मैदान की रैली में आ सकती हैं। अली बाबा 40 चोर और ये भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन का एक नया स्वरूप है। और कितनी विडंबना की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी जो इन्हीं नेताओं का नाम ले लेकर कहते थे 2011-12 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के स्वरूप में कि इन सभी लोगों को जेल में पहुंचाएंगे, इन सभी लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो प्रदर्शन करते थे। जिन लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो प्रदर्शन करते थे, आज जब उनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है और कोर्ट राहत देने से इनकार करता है तो उनके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं भ्रष्टाचार बचाने के लिए। चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के अंदर अलायंस नहीं हो पा रहा, ज्यादातर राज्यों में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ साथी जेल जा चुके हैं, शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये पहला मौका है जब इंडी गठबंधन का इतना बड़ा मजमा लग रहा है। नारा दिया जा रहा है कि तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ।